तो वही अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राज्य को नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मिल जाएंगे। नियुक्त किए गए हरियाणा प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने बताया कि मेंबरशिप अभियान 15 अप्रैल तक चल रहा है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के कब होंगे चुनाव और कब तक चलेगा कांग्रेस का सदस्यता अभियान, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने नियुक्त किए गए हरियाणा प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा से। सुनिए। मेरे साथ हैं इस समय पूर्व सांसद एवं हरियाणा चुनाव प्रभारी ताराचंद भगोरा। इनसे जानते हैं कि मेंबरशिप अभियान कहां तक चला है और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। जी, जैसा कि हरियाणा का जो कांग्रेस का सदस्यता अभियान पहले 31 मार्च तक था, इसको बढ़ा करके 15 अप्रैल मध्य रात्रि तक कर दिया गया है। और अब तक हमारा डिजिटल सदस्यता अभियान 5,54,088 हुआ है और जो ऑफलाइन डायरियर थी वो लगभग 5.5 लाख वितरण की गई हैं, तो वो जमा होने पर पता चलेगा। और ये डिजिटल सदस्यता का है, वो जैसे जैसे सदस्य बनेंगे पैसे जमा होंगे उससे आधार पर उनको मान्यता मिल जाएगी। ताराचंद जी, जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कब होगा और दूसरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका चुनाव कब होगा? जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी प्रक्रिया आपका 15 अप्रैल के बाद प्रारंभ होगा और 15 मई तक हम लोगों का यहाँ बूथ इकाइयों का गठन और ब्लॉक अध्यक्ष के गठन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, फिर नए सिस्टम आने के बाद वापस हम जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अक्टूबर महीने तक, सितंबर अक्टूबर तक ऑल इंडिया प्रेसिडेंट के चुनाव हो जाएंगे। ताराचंद जी, जो सदस्यता अभियान चल रहा है, ये भी आपको शिकायतें मिली हैं कि कईयों को मेंबरशिप फॉर्म वगैरह नहीं मिल रहे? जैसा कि आपको मालूम है, सदस्यता के लिए आपका विधायक हो, एक्स एमएलए हो, एमएलए हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी हो या एआईसीसी मेंबर, इन लोगों को 2,500 के आसपास सदस्य मिलते हैं। और जब उनको ज़्यादा चाहिए और व्यक्तिगत या अपना किसी व्यक्ति को भेज करके स्वयं के हस्ताक्षर से अगर मांग या पीसीसी में जमा होगा तो तुरंत उनको फॉर्म अवेलेबल कराए जाते हैं। अब कोई एक साथ कई ज़्यादा मांग रहे हैं तो उसमें प्रक्रिया है जो कानून के तहत, तो यही प्रक्रिया है। और मेरा ख्याल है ये काम बराबर चल रहा है और शिकायत अगर आती है किसी की तो हम उनको भी राय देते हैं कि भाई स्वयं उपस्थित हो या एप्लीकेशन भेज के अपने व्यक्ति से मंगा लें। और जो सिस्टम है 2,500 तक हाइएस्ट और ऑर्डिनरी व्यक्ति हो तो 1,250 तक प्लेटफॉर्म उसको मिलते हैं। ये थे मेरे साथ पूर्व सांसद एवं हरियाणा चुनाव प्रभारी ताराचंद भगोरा। इन्होंने बताया कि सदस्यता अभियान अभी चल रहा है और इसके साथ साथ इन्होंने आगे के कार्यक्रम भी बताए। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।